नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 जून को आप सभी का बीएड का एग्जाम है, एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गया है। तो मैंने एक बार प्रोसेस बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं और पूरा जो निर्देश वो बताऊंगा। और माइनस मार्किंग कैसे होती है, कितने नंबर पर कितना कटता है, कितना सही करके आते हो, कितना गलत होता है, कितना गलत करके आते हो, आपको नंबर कैसे मिलता है, तो आज के इस वीडियो में A to Z जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। मेरी क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर और एक ऐप है ग्रेफी, इन दो जगह चल रही है, तो वहाँ पे आप लोग मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग जो है व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं उनके लिए ये है, तो प्राइवेट ग्रुप है, आप लोग इसमें जो है जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एक मैसेज करेंगे आप लोग को, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए भाई, पहले हम लोग बात करेंगे भैया एडमिट कार्ड, एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट होगी, आपको सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पर जो है यहाँ पर यूपी बीएड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में। बस आपको सिंपली इस पर जो है क्लिक करना है, क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल के आएगा, जहाँ पर नीचे आप सभी का यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप लोग जो है सिंपली क्लिक करिए, आपके सामने आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आप इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करेंगे माफ कीजिएगा, तो ये पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल कुछ दिया होगा, यहाँ पर एप्लीकेंट प्रिंट दिया गया है, उसके अलावा आपका यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन दिख जाएगा एडमिट कार्ड का। ठीक है, एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करो, एडमिट कार्ड आपका यहाँ से एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। एडमिट कार्ड पे क्लिक करिए तो एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा एक क्लिक हियर, थोड़ा इधर किनारे दिख रहा है, क्लिक हियर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक हियर, आप बस इसी हियर पे क्लिक कर दो तो आपका एडमिट कार्ड PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, वो भी मैं आपको जो है दिखा दे रहा हूँ। एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, एक मिनट देख लीजिए, इस तरीके का कुछ आपका एडमिट कार्ड होगा, जहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है आप देखेंगे। यहाँ पर आपका स्ट्रीम होगा, साइंस से आर्ट्स से वो दिख जाएगा, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका कहाँ से रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे लिखा रहेगा, जहाँ पे जैसे इनका जो है कहाँ गया भैया, KS साकेत PG कॉलेज गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। फोटो आपकी होगी तो जो फोटो आपने लगाई है वही फोटो लेके जाना है, यहाँ पर लिखा गया वो देखिएगा। आपका यहाँ पर सिग्नेचर सिग्नेचर आपका होगा, ये सब दिया गया, परीक्षा जून देखिए ये लिखा गया है। और पहला पेपर आपका जो होगा 9 से 12, उसी दिन आपका होगा पहला पेपर, 9 से 12 के बीच में होगा, और दूसरा पेपर 2 घंटे का गैप होगा, फिर 2 से 5 आपका दूसरा पेपर होगा, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया आपका निर्देश, ठीक है, निर्देश आपका यहाँ पर, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट निर्देश है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट निर्देश ये है कि भैया परीक्षा प्रारंभ होंगे 30 मिनट पहले, 8:30 बजे पहुँच जाना आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की जो डाउनलोड की हुई प्रति है, फोटोयुक्त पहचान पत्र में आप क्या क्या ले जा सकते हो, चाहे आधार कार्ड ले जाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी हो, पासपोर्ट है वो ले जाओ, आपका मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक आपको लेके जाना, 10 भर के लेके नहीं जाना, कोई एक लेकर के जाओ। इसके अलावा दो अतिरिक्त फोटो ले जाना अनिवार्य है, कितना फोटो भैया, दो अतिरिक्त फोटो, और आपका लिखा है अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फोटो लगी हुई है, यानी कि आपका एक प्रवेश पत्र होगा उस पर एक फोटो लगा होगा, उस पर आपका हस्ताक्षर होगा, ये होना चाहिए आपका यहाँ पर लिखा गया है। और जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो उसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया, यानी कि एक नॉर्मल लेके जाना है, एक आपको ये लेकर के जाना है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा OMR में जो आपको केवल काले बाल पॉइंट पेन, मैंने बताया था ना ब्लैक बाल पॉइंट पेन लेना है, जेल वेल नहीं लेना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, और OMR पर फ्लूड या इरेजर का प्रयोग वर्जित है। फ्लूड का प्रयोग जो आपका सफेदा जिसको बोलते हो उसका प्रयोग या इरेजर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 नंबर मिले भैया, और एक गलत उत्तर के लिए 0.66, 2/3, यानी कि 2/3 नंबर कटेगा। मैं आपको इसको समझाऊंगा एक एग्जांपल दे करके, उसको समझ में आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और यहाँ पर आपका कुछ और किया गया भैया, और हाँ, द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु चुने गए विषय वर्ग किसी भी स्थिति में, मतलब आपने आर्ट चुना है तो आपका आर्ट रहेगा, साइंस चुना है आपका साइंस रहेगा, ये रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र में देनी है, परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर देता है, मतलब किसी अन्य जगह मत देने चले जाना, नहीं तो वो तो दिया ही नहीं जाएगा। तो ये तो आपका निर्देश हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं,
तो ये 2/3 है, मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ क्या है, क्या है समझ लो कि आपने एक नॉर्मली 100 क्वेश्चन किए भैया, कितने क्वेश्चन किए आप वहां पर 200 प्रश्न आते हैं, 100 क्वेश्चन अटेंड करके आते हो, ठीक है 100 क्वेश्चन आप अटेंड किए हो, इसमें से मान लो आपने जो है कितने सही कर दिए, मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर जो है सही कर दिया, कितना मान लेते हैं यहाँ पर 82 क्वेश्चन आपने जो है सही कर दिया है, तो 82 सही किया है, 100 अटेम्प्ट किया है ना, तो 18 आप लोग गलत करोगे, गलत करोगे ना, तो आप 82 नंबर का आपको इसका 2 गुना कर दो भैया, कितना नंबर मिलना चाहिए था, 2 × 4 = 2 = 16, 164 नंबर आपको मिलना चाहिए था, लेकिन 164 नहीं मिलेगा, 18 नंबर आपने 18 क्वेश्चन आपने गलत किया है, तो 18 का 2/3 नंबर कट जाएगा, यानी कि 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 × 12, यानी कि आपका यहाँ पर 18 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 12 नंबर जो आपका सीधे कम हो जाएगा, 164 में से आप लोग 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, चलिए 152 नंबर, यानी कि अगर आपने 100 में 82 सही किए 18 गलत किए तो 164 के स्थान पे आपको 152 नंबर मिलेंगे, ये सिंपल सा गणित आपका माइनस मार्किंग में लगता है, इसीलिए भैया तगड़ा वाला माइनस मार्किंग है, 1.66 नंबर आपका, यानी कि पॉइंट में 66 आपका नंबर कटेगा अगर एक भी गलत करके आते हो तो, जो आपको आता रहेगा बस उतना करके आना, कुछ भी फालतू का गलत सलत वाला जो है तुक्का मार के मत आना, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है 50-50 चांस, तो बहुत रेयर केस में उसको सही करना, अगर आपको ये लगता है हमने ये पढ़ा था, अगर कोई एकदम नया क्वेश्चन हो आपको लगे ये नहीं हो सकता है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो रिक्वेस्ट है उसको जो है मत करना, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूं 185, 90, 200 प्लस नंबर बन रहे होते हैं, और सिर्फ और सिर्फ माइनस मार्किंग वजह से उनके नंबर 200 के भी नीचे आ जाते हैं, 150 के भी अंदर आ जाते हैं, तो ये नहीं करना, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया भैया, सिर्फ 18 गलत किया, लोग 18 नहीं 82 गलत करके आते हैं और 100 सही करके आते हैं, सोचो अगर आपने 200 में 100 सही कर दिया, कुछ लोग 200 का 200 सही करके आ गए भैया, 200 में 100 सही किया तो 100 × 2 किया 200 नंबर बना, लेकिन 82 आपने गलत किया तो उसका 2/3 नंबर कट जाएगा, तो उससे थोड़ा आपको जो है बचते हुए चलना है, ठीक है, तो ये एक सिंपल सा जो आप सभी को यहाँ पर एक अपडेट देना था, अब जो है आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 दिन अब 9 दिन सिर्फ बचा हुआ आज को लेकर के, तो आप लोग जो थोड़ा तैयारी पर जुड़ जाओ, इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे और भी लोग को जो है जानकारी मिल सके, और अपने साथियों और दोस्तों को बताओ, क्लासेस यहाँ पर लगातार बिल्कुल फ्री में चल रही है, तो क्लास जो है लेते रहे, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का सेशन में जो है जुड़ने के लिए, शेयर करना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक, धन्यवाद।